नमस्कार, गुड मॉर्निंग, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल, मेरे साथ अखिल गुप्ता जी मौजूद हैं। लेकिन कल दूसरा मैच इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, टीम इंडिया की शर्मनाक हार, अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 81 रन बना सकी मैच में और वेस्ट इंडीज ने 182 रन बड़े आसानी के साथ बनाए और 6 विकेट से बड़ी जीत हासिल की और टीम इंडिया को एक आईना दिखा दिया है कि आपकी वर्ल्ड कप की तैयारी जो है पूरी नहीं है फिलहाल। अखिल, इस हार पर क्या कहेंगे आप? मनु, सबसे पहले तो ये शर्मनाक हार नहीं है, ये करारी हार है, मुंह छिपाने वाली हार है, आईना दिखाने वाली हार है, चुल्लू पर पानी में डूब भरने वाली हार है। क्योंकि बहुत ही खराब परफॉर्मेंस भारत का देखने को मिला। बल्लेबाजी की बात कर लीजिए, गेंदबाजी की बात कर लीजिए, लचर फील्डिंग, और मतलब क्या सोचती है आप कि आप एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं? आपके वर्ल्ड कप में गिने चुने दिन बचे हुए हैं और आपके मतलब एक्सपेरिमेंट कैसी हैं, पुख्ता करते हैं, लेकिन वैकेशन मोड में पहुंच चुकी है बिल्कुल। और ये देखिए, हम आप ने जरूर ऊपर से आकर रन बनाए थे, ओपन किया था कल फिर, और लेफ्ट हैंडर ने जिस तरीके का स्टार्ट दिया था, 55 रन बनाए थे, 55 गेंदों का सामना किया, हालांकि ये भी एक शिकार, लेकिन 50 इन्होंने बनाए, बैक 50 बनाए, दूसरे में बनाए, और साथ मिला इनको शुभमन गिल का। शुभमन गिल ने देखिए 34 बनाए 49 बॉल में, और जो पहले विकेट की पार्टनरशिप थी वो आपकी 90 रन की हो गई थी अखिल जी, 90 रन आपकी पहली पार्टनरशिप ने बना दिए थे, पहली जोड़ी ने बना दिए थे, उसके बाद आपने 90 रनों के अंदर तकरीबन 10 पूरी टीम ऑल आउट हो गई, आयाराम वाली बात हो गई थी। 91 रन पर ऑल आउट हो जाती है टीम हो जाती है, जो टीम 36 पर ऑल आउट हो सकती है टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो वनडे था यहाँ पे, आपने फिर भी कहेंगे कि 181 रन बना दिए, आपने बहुत रन बना लिए यार। इस बैटिंग ऑर्डर के साथ आपने इतने रन बनाना अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि आपके पास विराट नहीं थे, रोहित नहीं थे, और क्या बैटिंग ऑर्डर है यार, आप देखिए नंबर 4 क्या सोच थी टीम मैनेजमेंट की? बिल्कुल असर पड़ेगा कि लॉटरी लगी, क्योंकि पहले उनको प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिला, फिर दूसरी लॉटरी लगी जब उनको कप्तान साहब और टीम मैनेजमेंट ने कहा आप नंबर 4 पर बैटिंग कीजिए। आप सूर्य कुमार यादव को बैक कर रहे हैं, उनको बैक करने का मतलब क्या है? अगर आप बैक कर रहे हैं तो उनको टॉप ऑर्डर में प्रमोट करो। पहले मंडे में हमने देखा कि वो नंबर 3 पर बैटिंग करने आए थे, इस मुकाबले में वो नंबर 6 पर बैटिंग करने आए। मोनू, आपने नंबर 4 पर अक्षर पटेल को भेजने का क्या तुक बनता है? आप पता है कि वर्ल्ड कप में अगर अक्षर पटेल जा भी रहे हैं तो बहुत हद तक संभव है कि वो 15 में रहेंगे, प्लेइंग 11 में शायद ना खेले, क्योंकि अगर रविंद्र जडेजा है, कुलदीप यादव है, चहल है, तो उनका प्लेइंग 11 में खेलना बहुत, आप चाहेंगे कि सूर्य कुमार यादव को जितना हो सके उतना बल्लेबाजी का मौका मिले। लेकिन और आपने बिल्कुल ठीक कहा, हो सकता है टीम मैनेजमेंट की ये सोच हो कि लेफ्ट चाहिए उनको नंबर 4 पर, क्योंकि आपके पास लेफ्ट हैंडर ईशान किशन आउट हो गए थे, बट उसके मुताबिक अगर आप देखें तो रविंद्र जडेजा आपके पास एक्सपीरियंस खिलाड़ी थे, उनको भी प्रमोट कर सकते देख रहे हैं। प्लीज आप भी हमें कमेंट्स करके बताइए कि कहां चूक रह गई टीम इंडिया से, तो आपको क्या लगता है? देखिए संजू सैमसन, जिसके ऊपर कई सवाल उठ रहे हैं, चूक तो हर जगह चूक ही चूक है। ये देखिए संजू सैमसन आपकी स्क्रीन पर, सिर्फ 9 रन अखिल जी, बार बार आप हम कह रहे थे कि यार इनको मौका दो, 66 का एवरेज है और बहुत ये आती मतलब तबाही मचा देंगे, इनके पास सब कुछ है, टेम्परामेंट है, फुटवर्क है, बट वो तो कल जो हुगली के लिए खेलने गए और आउटसाइड से लेकर आउट हो गए, वो पता चल गया कि संजू सैमसन के पास क्या है। हम इसीलिए उनको हर बार निकाल जाता कि वो इंडिया के लिए करते हैं खेलना, लेकिन कितने चांस दोगे यार? आप कहते हैं कि 2015 में उन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था, उसके बाद अगर हम तस्वीर उठा के देखें तो सिर्फ गिने चुने मैचेस भारत के लिए खेले, लेकिन जितना मौका संजू सैमसन को मिलता है, जब भी मिलता है, ये खिलाड़ी हमेशा आपको डिसअपॉइंट करता है। इसीलिए कहा जाता है संजू सैमसन को लेके कि आईपीएल में इनको जितना मर्जी खिलाओ, घरेलू क्रिकेट में जितना मर्जी खिलाओ, केरल के लिए जितना मर्जी खिलाओ, लेकिन इंडिया के लिए जब बारी आएगी, संजू सैमसन प्लेइंग 11 में खेलेंगे, गारंटेड बात है वो फ्लॉप होंगे। बिल्कुल। और ये देखिए कप्तान हार्दिक पांड्या, कल देखिए रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं थे इस मैच में, क्योंकि दोनों को रेस्ट करवाया गया था। अब इसके पीछे क्या लॉजिक था वो हमें तो समझ नहीं आया, हो सकता है अखिल जी आपको भी समझ नहीं आया होगा और किसी को भी समझ नहीं आया होगा। यार आप देखिए, आप मैचेस खेलने जाते हैं वेस्ट में, या तो आप वनडे सीरीज खेलने से पहले ही इन टीमों को बोल देते कि भाई हम इन प्लेयर्स को रेस्ट करवा रहे हैं। जब आप ले आपने क्या किया, विराट कोहली को बैटिंग ही नहीं आई विराट कोहली की, रोहित शर्मा नंबर 7 पर खेल, इस मैच में आपने दोनों को रेस्ट करवा दिया। अगर यही कुछ करना था तो आप लेकर क्यों गए थे? आप हो सकता है एक्सपेरिमेंट ही करने थे तो आप एक्सपेरिमेंट पहले मैच से ही करते, आप रोहित विराट को निकालकर आप यंगस्टर को मौका देते, लेकिन जब यंगस्टर को भी मौका दिया तो ये टीम तो सिर्फ 91 रन पर ऑल आउट हो गई। यार आई एम सरप्राइज
कि ये टीम कैसे 90 रन पे कोई आपका विकेट आउट नहीं है और 181 पर आपकी टीम ऑल आउट हो जाती है। सिर्फ आप सरप्राइज नहीं हो मोनू, पूरा भारत सरप्राइज है, पूरे जो भारतीय क्रिकेट फैंस है जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 2011 को भारतीय टीम दोहराएगी, 2011 के बाद तीसरी बार वनडे वर्ल्ड कप जीतेंगे, कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी के बाद रोहित शर्मा का नाम इस लिस्ट में शुमार होगा। उम्मीदें छोड़ दीजिए, बिल्कुल उम्मीदें मत रखिए, क्योंकि ये टीम मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड कप जीतने वाली है। इस टीम की प्रेजेंट सिचुएशन को देख के ना मुझे 2007 वाली टीम याद आती है मोनू, और 2007 की वो टीम नहीं जिसने वर्ल्ड कप जीता था, 2007 की वो टीम जो वेस्ट इंडीज में राहुल द्रविड़ के नेतृत्व में पहले ही दौर में बाहर हो गई थी, इतनी शर्मनाक हार टीम को मिली थी। लेकिन वही राहुल द्रविड़ देखिए 2007 में जब उनको पता था, क्या वो सीख नहीं ली है? आज भी राहुल द्रविड़ कोच हैं इस टीम के, अजीत अग्रवाल वहां पर हैं, रोहित शर्मा वहां पर हैं, विराट कोहली बड़े बड़े दिग्गज हैं, लेकिन इनकी सोच क्या है वो सबसे परे है। आई डोंट नो कि ये क्या चाहते हैं। मनु अगर सीख ली होती ना तो आप एशिया कप ना हारते, नॉकआउट में भी आप नहीं पहुंचे थे, आप T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल ना हारते और इतने शर्मनाक तरीके से तो बिल्कुल ना हारते। इंग्लैंड ने आपको कहीं टिकने ही नहीं, 10 विकेट से इंग्लैंड ने आपको हराया था। आप WTC का फाइनल ना हारते, आप इंग्लैंड में जाके एजबेस्टन टेस्ट मैच ना हारते,